सोशल मीडिया पर ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, मुझे भी बेहद पसंद आया। और ये माँ बेटे का शानदार वीडियो देखकर मुझे एक बड़ा ही सबक आमोज, इबरत आमोज एक किस्सा, एक वाकया याद आ गया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। माँ से मोहब्बत करने वाले आज का किस्सा, आज का वाकया और आज का वीडियो पूरा जरूर देखें, आपकी मोहब्बत में, आपकी खिदमत में इजाफा होगा और माँ की नाफरमानी करने वाले की रूह कांप जाएगी। वाकया कुछ यूं है कि हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े पाए के वली गुजरे हैं। एक मर्तबा वो हज करने के लिए गए तो उस साल हज में बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, लाखों लोग हज करने के लिए आए हुए थे। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने दुआ में अल्लाह से पूछा कि अल्लाह सबका हज कबूल हो गया या कोई रह भी गया है। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि सबका हज कबूल हो गया है, लेकिन एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बलखी है, उसका नहीं कबूल हुआ। फरमाते हैं मैं सवेरे उठा और मेरा दिल चाहा कि उस बदनसीब को ढूंढूं कि वो कौन है, तो बल्ख के और खुरासान के लोग कहां ठहरे हुए हैं मैं पूछते पूछते वहां पहुंचा। फरमाते हैं कि मैं ढूंढते ढूंढते बल्ख के खेमे के पास पहुंच गया, यानी पहले खेमे लगते थे ना अलग अलग मुल्कों के, तो बल्ख वालों के जहां खेमे लगे हुए थे मैं वहां पहुंच गया और मैंने वहां लोगों से पूछा कि तुम में मोहम्मद बिन हारून बलखी कौन है। तो लोग कहने लगे वो तो एक बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह दिल में सोचने लगे कि कमाल है, मुझे ख्वाब में तो ये बताया गया कि इस आदमी का हज कबूल नहीं हुआ इन लाखों लोगों में और यहां लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं। मैंने पूछा कि किस तरह का नेक आदमी, आप क्यों उनकी तारीफ कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद बिन हारून का 24वां हज है, 24वां यानी 24वां हज है, और वो बंदा रात भर नफले पढ़ता है और दिन भर रोजे रखता है और पहले बहुत मालदार था लेकिन हर चीज उसने अल्लाह की राह में खैरात कर दी। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से पूछा कि भाई कहां है वो नेक आदमी? लोगों ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा कि वो जो पहाड़ी नजर आ रही ना उसके पीछे उसका खीमा है, वो वहां पर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं वहां पहुंचा, देखा तो बिल्कुल लोगों ने जैसा कहा था वो वैसे ही मुसल्ले पर बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था। मैं इंतजार करने लगा, उसने सलाम फेरा, अपनी नमाज खत्म की, मैं करीब गया और मैंने उससे पूछा कि आप मोहम्मद बिन हारून बलखी हो? उसने कहा कि हाँ मैं हूं। और उसने फिर मुझसे पूछा कि आप मालिक बिन दीनार हो ना? मैं हैरान हुआ कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला जबकि मैंने इसको बताया भी नहीं। मैंने कहा कि हाँ मैं मालिक बिन दीनार हूं। कहने लगा कि बताओ कैसे आना हुआ? मैंने कहा कि बस मिलने के लिए आया हूं। तो कहने लगा कि नहीं नहीं, जिस काम से आए हो वो बताओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं बस मिलने आया हूं। ये सुनकर वो रोने लगा और कहने लगा कि जरूर आपको कोई ना कोई ख्वाब आया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, यानी उसे यह भी पता है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, ताज्जुब के साथ पूछा कि तुझे कैसे पता कि मैंने ख्वाब देखा है? कहने लगा कि मालिक बिन दीनार मुझे 24 साल हो गए हैं, 24 साल मैं उस बेनियाज के घर का तवाफ करता हूं, हजरे हसवत को बोसे लेता हूं, मकाम इब्राहिम पर नफले पढ़ता हूं, मैं सफा मरवा की सही करता हूं, मुल्तजिम से चिमट के रोता हूं, 24 साल हो गए हैं मालिक बिन दीनार, 24 साल, और जब मैं तवाफ विदा करने लगता हूं तो कोई ना कोई अल्लाह का वली आकर कहता है कि भाग जा यहां से, तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उसके करीब बैठ गया और उसके घुटने पर हाथ रखा तो मैंने देखा कि वो तो माजूर है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और चेहरे पर इबादत के निशान साफ नजर आ रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा कि भाई तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? कहने लगा कि मत पूछो मत पूछो, तुम भी मुझसे नफरत करने लग जाओगे। मैंने कहा नहीं, तुझे
तुझे बताना ही पड़ेगा, तू मुझे बता। उसने फिर कहा कि मत पूछिए मत पूछिए। हजरत फरमाते हैं कि मैंने जब इसरार किया तो कहने लगा कि मेरा हज इसलिए कबूल नहीं होता कि मैं मेरी मां का नाफरमान हूं। हजरत फरमाते मैंने पूछा कि कैसे, तो कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया था, माल दौलत जायदाद घोड़े और कोठी बंगले सब कुछ था। ये सब कुछ होने की वजह से मैं अय्याश हो गया था, मैं अल्लाह के दिए हुए माल को नाजायज जगह पर खर्च करता था। मेरी माँ बूढ़ी थी, इबादत गुजार थी, मुझे हर वक्त समझाती रहती थी, नसीहतें करती रहती थी। एक मर्तबा की बात है कि रमजान का महीना था, मेरी माँ तन्नूर में रोटियां लगा रही थी, मैं घर आया शराब के नशे में धुत था। मैंने माँ से कहा कि माँ रोटी दो। माँ ने डांट कर कहा कि शर्म कर, एक तो रमजान का महीना है, तूने रोजे नहीं रखा है, कम से कम जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। बस माँ का ये जुमला सुनना था कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने माँ को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और मेरे थप्पड़ की वजह से माँ जलते हुए तन्नूर में गिर गई। लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, कहने लगा कि मैं सारी रात शोर सुनता रहा मगर नशे में पड़ा रहा। अगले दिन दोपहर में उस वक्त मेरी आंख खुली जब मेरी बीवी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। मैंने बीवी से पूछा कि कहाँ जा रही हो, कहने लगी कि मैं मैके जा रही हूँ, मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मैंने पूछा कि माँ मर गई है, मेरी बीवी ने रोते हुए कहा कि हाँ तेरी माँ मर गई है, वो माँ तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली माँ, अपनी छाती का दूध तेरे गले में उतार कर पालने वाली माँ तेरे हाथों आज कत्ल हो गई है। मैंने कहा कि किधर है मेरी माँ, मेरी माँ की मैयत कहाँ है। बीवी ने कहा कि दफन कर दिया गया है। मैंने ताज्जुब से कहा कि मुझे बताया क्यों नहीं, तो बीवी कहने लगी कि माँ ने मरने से पहले कहा था कि उस नालायक को मेरा मुंह नहीं दिखाना, मेरे जनाजे के करीब नहीं आने देना। कहने लगा कि जब मैंने ये सुना तो रोने लगा। मैं बाहर निकला और जिस हाथ से मैंने मेरी माँ को मारा था सबसे पहले कुल्हाड़ा लेकर मैंने वो हाथ काट दिया। मेरी जायदाद मेरे घोड़े मेरे मकानात मेरा सब कुछ मैंने खैरात कर दिया। तब से आज तक सारी रात नफले पढ़ता हूँ, सारे दिन रोजे रखता हूँ, हर साल हज करता हूँ, लेकिन अर्श का मालिक मुझे माफ नहीं करता। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने भी गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि तू इसी काबिल है कि तुझे माफ ना किया जाए, तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। हजरत मालिक फरमाते हैं कि मैं उसे वहां रोता तड़पता हुआ छोड़कर अपने घर आ गया और सो गया रात में। मुझे ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। हुजूर ने फरमाया कि मालिक तूने उसे अल्लाह की रहमत से क्यों मायूस कर दिया। मैंने कहा हुजूर वो इतना बड़ा माँ का कातिल, वो इतना बड़ा मुजरिम है, उसे कैसे माफी मिलेगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी माँ की वजह से ही उसे माफी मिलेगी। हाय हाय क्या अल्लाह की रहमत है और क्या माँ की ममता है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ताज्जुब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि हुजूर किस तरह, इतने बड़े जुर्म की माफी किस तरह, वो भी माँ की वजह से। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन उसकी माँ अल्लाह के सामने अल्लाह की अदालत में अपना मुकदमा दायर करेगी और अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह इससे पूछ मेरा जुर्म क्या था, मुझे इसने क्यों जला के मार डाला, मैंने ऐसा क्या किया था। फिर अल्लाह के यहां बेटे का जुर्म साबित होगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि उठाओ इसे जहन्नम में फेंक दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फरिश्ते उसे जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम में ले जा रहे होंगे तो ये पलट पलट कर माँ की तरफ देखेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा फिर पलट कर देखेगा, फिर जहन्नम के बिल्कुल करीब हो जाएगा तो वहां से माँ को पुकारेगा कि माँ माँ इधर देख, ये मुझे जहन्नम में ले जा रहे, माँ ये मुझे जलाएंगे,
माँ मैं यहाँ तड़पूंगा, मुझे तकलीफ होगी, माँ मुझे बचा ले, मुझे माफ कर दे। ये वो उस माँ से माफी मांग रहा होगा जिसने उसे जलाकर मार दिया था। फिर वही माँ जिसको इस नाफरमान बेटे ने जलाकर मार दिया था, उसका दिल पसीज जाएगा। वो अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह छोड़ दे, माफ कर दे, मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी इसे माफ कर दे। कुर्बान जाइए सपना सब कुछ कुर्बान माँ की ममता पर। आप लाख हज करो, लाख उम्रे करो, लाख खैरात करो, लेकिन अपने माँ बाप पर ध्यान दो, कहीं वो तुमसे नाराज तो नहीं है। वरना ये सारे हज उम्रे, सारे खैर खैरात, सारी नेकियां मैले कपड़े में लपेट कर तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप के फरमा बरदार बनो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।